दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी मॉडल को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका साइज है 30x40, 30x40 फीट में पूरा मॉडल बना हुआ है। हमारे एक पेड यूजर हैं, उन्होंने हमें कॉन्टेक्ट किया था, तो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने डिजाइन किया है। तो ये इसका फ्रंट एलिवेशन है, मैं दिखा रहा हूँ जो आपको। अगर बात करें साइड की, तो उनका साइड में रोड है, इसलिए मैंने यहाँ पर विंडो दे रखे हैं। अगर आपके साइड में रोड नहीं, तो आप इन विंडो को हटा सकते हैं। पीछे की बात करें तो इधर भी इनका 3 फीट एरिया मैंने छोड़ा है, जो वेंटिलेशन के लिए काम आएगा, इसलिए यहाँ पर भी मैंने विंडो दिया है। अगर आप किसी ग्रिल लगाना चाहते हैं, ग्रिल इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप इसे लगा सकते हैं। हालांकि मैंने नहीं बनाया है, क्योंकि इसका डिजाइन थोड़ा सा खराब हो जाता। इधर इनका और जगह पड़ा हुआ है, तो इधर भी मैंने ग्रिल नहीं बनाया है, क्योंकि इनका किसी और का जगह है, तो वो को अपना मकान बनाएगा। तो इस पूरे मॉडल को, फ्रंट का एलिवेशन और साइड का और गुमटी वगैरह आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत होने वाला है ये प्लान। तो इसी प्लान को आज हम डिस्कस करेंगे। ये एरिया काफ़ी बड़ा था इनके पास, लेकिन इनको 30x40 फीट का ही चाहिए था अप्रॉक्स में, जो 1200 स्क्वायर फीट के आसपास एरिया कवर्ड हो। तो उन्हीं के कहने पर पूरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट किया है। तो आज हम इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं जूम करके आपको इसका पूरा डिटेल दिखा देता हूँ, जिससे आपको इसका रियलिस्टिक व्यू समझ में आ जाए, इस पर क्या क्या बना हुआ है। देखिएगा, ये सब कुछ आपको दिख रहा होगा फ्रंट एलिवेशन। अब हम बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है, सबसे नीचे वाला फ्लोर। देखिएगा, यहाँ पर आपका सबसे पहले एक बारंदा टाइप का आपको डिजाइन मिलता है। ये आपकी बीम पड़ी हुई है। इधर ये वॉल है, जिसमें बीच में आपको सर्कुलर शेप मिलता है, जे इस पर डिजाइनिंग के पर्पज से मैंने क्रिएट कर रखा है। ये आप ब्लैक कलर का, ब्लैक टेक्सचर दे सकते हैं। वहीं इधर की बात करें तो ये आपके गेस्ट रूम है, जिसमें मैंने विंडो दिया वेंटिलेशन के लिए। साइड में रोड है, तो जहाँ जहाँ पर भी बेडरूम, किचन है, सभी जगह मैंने विंडो दे रखा है। अब मेन डोर आपका ये, जहाँ से एंट्री करेंगे, इसका भी बारंदा, जैसे आप पहुँचते हैं तो इस बारंदे से इस गेस्ट रूम को एक्सेस करने के लिए मैंने एक डोर यहाँ पर दिया है। अब मेन डोर से अंदर जाते हैं तो सबसे पहले आपको एक बड़ा सा लॉन मिलता है। इस लॉन से ही आपकी हर जगह एंट्री होने वाली है। बात करें इधर की, तो ये आपका एक लेटेंट बात इनको रिक्वायर्ड था, ये लेटेंट बात मैंने क्रिएट किया है, इसीलिए यहाँ ऊपर मैंने वेंटिलेशन दिया है। इधर की बात करें तो इधर से आपकी स्टेयर से जाएंगे और उधर टर्न होकर आप ऊपर चले जाएंगे। उसी के नीचे आपका मैंने पूजा घर बना दिया है। सबसे पीछे आपको 2 बेडरूम मिलते हैं, दोनों के लिए अलग अलग डोर है। ये आपका बड़ा सा किचन है, हालांकि ये भी एक बेडरूम का साइज ही है, लेकिन इन्होंने किचन को इसे रखा है। अब देखिए, किचन में भी वेंटिलेशन के लिए विंडो दिया है, और इधर साइड में भी जो कॉर्नर पर बेडरूम है, इसके लिए 2 बेड आपको मैंने यहाँ विंडो यूज की है। इस वाले बेडरूम के लिए 1 यूज किया है, तो प्रॉपर वेंटिलेशन होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर फिर भी आपका वेंटिलेशन ना हो, तो अब ये डाइनिंग हॉल है, इस पर छत पर आप झालर रखवा सकते हैं। फ्रंट का एलिवेशन जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए मैं मैक्सिमम जूम कर देता हूँ। इधर का विंडो का साइज अलग है और इधर का डिजाइन भी अलग है, क्योंकि फ्रंट होने वाला है, इस वजह से मैंने थोड़ा सा हटके डिजाइन क्रिएट किया है। अब बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो ये दोस्तों इसका फर्स्ट फ्लोर है। पहले मैं आपको और चीजें डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहले स्टेयर्स को ढकने के लिए गुमटी मैंने क्रिएट कर रखी है। आप जैसे ऊपर आएंगे तो ये पूरी छत आप एक्सेस कर पाएंगे। इसके बाद जो आपका गेस्ट रूम के जस्ट पीछे किचन वाला एरिया बना था ना, वो मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है, मैंने उसे हटाया नहीं है। ये एक पिलर है, जिसपे आपका ये जो अभी गुमटी टाइप का आप देख रहे थे ना, वो पूरा टिका हुआ है। आगे ये भी देखिए, वॉल आपकी ऊपर तक चली आई है, इधर वाली भी। ये मैंने एक फ्रंट में बीम बना दी है, हालांकि आपको बीम इधर भी बनाना पड़ेगा, वो तो ऑलरेडी, लेकिन ये डिजाइनिंग वाली बीम है जो POP की बनती है। इसके बाद ये देखिएगा, ये को डेकोरेशन के मैंने प्लांट्स लगा रखे, लेकिन ये जो आपका एक वॉल था, उसको सपोर्ट देने के लिए वी शेप का मैंने यहाँ पर क्रिएट किया, अभी आपको पूरा समझाऊंगा। ग्रिल की बात करूँ तो इधर का ग्रिल आपका नॉर्मल है, आप देख सकते हैं। इधर का ग्रिल थोड़ा सा स्टाइलिश है, तो आप इसे देख लीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग बनाइए। मैं जूम कर देता हूँ, सारी चीज़ को प्रॉपर आपको समझ में आ जाए। बात करते हैं इसके लास्ट फ्लोर की। तो ये दोस्तों इसका लास्ट फ्लोर है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर चारों तरफ सभी जगह, इस पर बड़ी छत मैंने डाल दी है, इस पर को भी ढक दिया। इधर ये जो आपका बी शेप का गांव में कपड़ेल का डिजाइन बनता, वो बना हुआ है, देख सकते हैं। और ये दोस्तों आपका जो दिख रहा है, ये सिर्फ डिजाइनिंग के पर्पज से, जो वी शेप का यहाँ पर मैंने एक डिजाइन दिया, तो उसी पर ये टिका हुआ है। इसका विशेष ध्यान रखें, सपोर्ट के लिए वी शेप मैंने बनाया था। और ये आपका पूरा गुमटी का डिजाइन यहाँ पर कुछ, ये आपको डिजाइनिंग ब्लॉक टाइप दिख रहा है, ये भी डिजाइनिंग के पर्पज से ही है। ये बीम भी डिजाइनिंग के पर्पज से क्रिएट की गई POP की। तो ये ओवरऑल मकान बना हुआ है 30x40 में, 1200 स्क्वायर फीट में। एक बेहतरीन सा मॉडल है, जो आपके मैंने आपके सामने डिस्कस किया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा प्लान पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
और अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। मैं एक दोस्तों पेड सर्विस भी चलाता हूँ जिस पे आप हमें कांटेक्ट कर करके आप अपने अकॉर्डिंग घर बनवा सकते हैं। उसके लिए आप हमें पे करेंगे और नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टेक्ट करके आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं घर क्रिएट करता हूँ, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। इसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।